रिपोर्ट में गए ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन के अंदर फ्यूल, फ्यूल के अंदर आपकी सभी ट्रांजेक्शन इसमें दिखाएगा। जो भी पूरे दिन में ट्रांजेक्शन हुए हैं, सैलरी से पहले नंबर पे रिसिप्ट एंट्री है, कितने रुपए की रिसिप्ट है, क्या टाइम था, कब चला था नोजल, कितने रुपए का तेल लिए, बंदा कब यहाँ से निकला है। इसके अंदर आप फिल्टर भी कर सकते हो, डीजल पेट्रोल स्पीड मिला के व्हीकल सेगमेंट से भी फिल्टर कर सकते हो, भाई कौन कौन सा सेगमेंट होगा, व्हीकल नंबर से भी आप एंट्री निकाल सकते हो और एमपीडी से भी निकाल सकते हो कौन से एमपीडी से लिया है, ठीक है। उसके बाद में ये आता है टैंक, तो एक्चुअल टैंक इन्वेंट्री और टैंक इन्वेंट्री है। टैंक इन्वेंट्री के अंदर अपने को शो करेगा भाई इस डेट के अंदर, इस शिफ्ट के अंदर कितने रिसिप्ट अपने पास हुई है, वो इसमें शो करेगा। ये अपन देख लो, ये मैंने रिसिप्ट डाल दी, ये प्रोडक्ट मैंने कुछ डाला नहीं, इसके अंदर मेरे पास आज टैंक लोरी नहीं आई इसलिए वो है नहीं। बाकी टैंक के अंदर जो डिफरेंस आया है वो सब इसमें दिखा रहा है, टैंक इन्वेंट्री के अंदर डिफरेंस वगैरह सब दिखा रहा है। और ये टैंक लोरी रिसिप्ट की एंट्री भी देख लेते हैं अपन इसके साथ ही। ये भी मेरे पास कोई टैंक लोरी नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा, ठीक है। शिफ्ट एंड की ये शिफ्ट वाइज समरी देख सकते हैं अपन इसके अंदर। ये शिफ्ट वाइज समरी अगर मैं देखूंगा तो ये 9 तारीख का, ये शिफ्ट वाइज 6 बजे मैंने शिफ्ट शुरू की थी और मैंने 9 तारीख को दोपहर में 2 बजे मैंने शिफ्ट बंद कर दी। अब इसको गो करूंगा तो ये शिफ्ट वाइज मेरे पास पूरी समरी आ गई और ये पेट्रोल मेरा इतना बिका है और डीजल मेरा इतना बिका है, इस हिसाब से ये पूरी मेरे को दिखा रहा है इसके इसके बीच में। और सारे नोजलों की टोटलाइजर रीडिंग भी मेरे को दिखा रहा है, इस पे स्टार्ट हुआ था आपका और इस पे आपका खत्म हुआ है इस शिफ्ट के अंदर, ठीक है। इसको एक्सेल पीडीएफ और एचटीएमएल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अपन कर सकते हैं। और ये पेमेंट वाइज समरी है, नोजल वाइज समरी है, नोजल वाइज समरी भी आप देख सकते हो, इसके अंदर भी वही है, आपको टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और शिफ्ट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, कभी कभी आप निकाल सकते हो, लेकिन शिफ्ट हर बार आपको इसमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके किया तो मैंने इस दिन के अंदर 2 बार शिफ्ट क्लोज की है, तो दोनों बार की इसमें नोजल वाइज समरी मेरे पास इस टाइम से इस टाइम के बीच आ गई। ये देखो मैंने 2 बार शिफ्ट क्लोज की है, 6 बजे सुबह मैंने स्टार्ट की, फिर 1:13:18 पर की, फिर 13:55 पर की, ऐसे ये है। और इसके अंदर फिर आप आगे जा सकते हो, एटीजी डिलीवरी देख सकते हो, टैंक लोरी रिसिप्ट एंट्री देख सकते हो। अदर के अंदर आता है फील्ड ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जिसको आरओआईआर भी अपन बोलते हैं, तो इसके अंदर भी जाके भी आप, वैसे अपने काम की नहीं है लेकिन इसमें आप मिला सकते हो। जैसे फील्ड ऑफिसर 3 महीने में एक बार आए अपने पास, तो इस डेट को आए थे, इस शिफ्ट में आए थे, तो अपने को याद है। फिर दूसरी बार आ जाए तो आज इस डेट को आए और इस शिफ्ट के अंदर आए तो गो किया, तो इसके अंदर नीचे पूरा कैलकुलेशन निकल के आता है। इसके अंदर देखो पीवी लिखा हुआ है, परमिशनल ये परमिशनेबल वेरिएशन इसके अंदर भी मेरे प्रोडक्ट के अंदर आया हुआ है, तो ये परमिशनेबल ही रहना चाहिए। इसके अंदर लॉस भी दिखाएगा और गेन भी दिखाएगा, तो ये सब चीज़ें आपके काम की है। और स्टेटस और ऑपरेशन का वीडियो पहले बनाया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं।